नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के युवाओं को अग्निवीर के तहत 4 साल नौकरी देने का फैसला किया गया तो इसको लेकर बड़ा बवाल मच गया था। देश भर में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए थे। वहीं अब भी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि अग्निवीरों की नौकरी को परमानेंट किया जाए। वहीं अब पंजाब सरकार इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद पंजाब पुलिस और प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में नौकरी देने का प्लान बना रही है। पंजाब सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पंजाब पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण निर्धारित करने के साथ साथ अन्य विभागों में भी अग्निवीरों के पुनर्वास पर काम करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि खाद्य और आपूर्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन जैसे अन्य विभागों में ड्राइवरों और निरीक्षकों में अग्निवीरों के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश के उद्योग विभाग को अग्निवीरों के लिए 5% कोटा निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव को पहले प्रदेश सरकार के पास सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यहां से अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस प्रस्ताव को रोजगार सृजन और कौशल विकास विभाग और राज्य श्रम विभाग को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद दोनों विभाग मिलकर इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद ही विभाग में अग्निवीरों के लिए स्पेशल कोटा निर्धारित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा साल 2022 में अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2026 में पहले बैच के अग्निवीरों के 4 साल पूरे होंगे। साल 2022 के अग्निवीर भर्ती के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंजाब के करीब 1818 अग्निवीर साल 2026 में सेवा मुक्त हो जाएंगे।